लोग बताते हैं कि उनके जीवन काल में ऐसा भयावह बाढ़ का प्रकोप नहीं देखा गया। और मैं भी, मुझे भी 50-60 साल हो गए राजनीति में, ग्वालियर चंबल संभाग में इतना बड़ा बाढ़ का प्रकोप अपने जीवन में नहीं देखा। मैं मौके पे जा रहा हूँ, देख के हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे और मुझे सूचना भी मिल रही थी। 2-2.5 दिन तक तो हम लोग श्योपुर में किसी से फ़ोन से बात भी नहीं कर पाए, लगातार फ़ोन से संपर्क करते रहे। 3 दिन बाद जायजी से हमारी बात हो पाई, उसका सारा जायज़ा लेंगे। लेकिन जो मैं डिपार्टमेंट ने सूचना दी थी रेड अलर्ट की, उसको गंभीरता से नहीं लिया प्रशासन ने, ऐसी जानकारी मिली। सर पैरा सभा दोनों चल नहीं पा रही है, करोड़ों रुपए जनता का बह रहा है, विपक्ष ये आरोप लगाता कि सरकार आरोप लगाती कि विपक्ष की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? संसद चर्चा के लिए होती है, अगर जनता के विषय हम लोग सदन में चर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? लोकतंत्र का मंदिर है संसद को। तो हम चाहते थे कि महंगाई पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो। पेगासस एक ऐसा विषय जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफ़ी चर्चित है और आंतरिक सुरक्षा उससे जुड़ी हुई है। अब इन विषयों पर चर्चा अगर नहीं होगी, किसानों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, इन पर चर्चा नहीं होगी तो हम लोग क्या करें? सर किसानों के मुद्दे को लेकर मोदी जी ने कहा कृषि बिल किसानों के हित में है, सरकार के हित में है, सबके हित में है। इस देश को अगर अनाज कोई खिलाता है तो पंजाब और हरियाणा के किसान खिलाते हैं, उनको समझाते क्यों नहीं है मोदी? आज कम लगभग 9 महीने होने चले, सारा घर द्वार छोड़ के वो लोग पंजाब के, हरियाणा के किसान, वेस्टर्न यूपी के किसान और पूरे देश भर के किसान वहाँ पर मौजूद थे, तो उनकी बात सुनना चाहिए। जो तीनों कानून है उनको समाप्त करना चाहिए और सबके साथ चर्चा करने के बाद अगर नया कानून बनाना है, सबको विश्वास में लेके बनाए, MSP का कानूनी प्रावधान करें। सर अगर एक बात करें भी, ट्विटर पर राहुल गांधी जैसे कई नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं, इस पर क्या कहना आपका? ये जानकारी मुझे नहीं है क्यों कारण किस कारण से किए हैं। सर एक सवाल है, कल कपिल सिब्बल जी ने विपक्षी नेताओं से बहुत सारी चर्चा की है, बहुत सारे विपक्ष उसमें मौजूद था लेकिन कांग्रेस के आला कमान नहीं थे, तो क्या ये सिब्बल साहब के शक्ति प्रदर्शन से देखा जाए? जन्मदिन था उसका खाना भी। सर राजस्थान की राजनीति बात करें, राजस्थान की राजनीति, पंजाब में आला कमान ने शूट आउट कर दिया, तो राजस्थान में साल भर बीतने को आया लेकिन अभी तक जो हालात है जस के तस बने हुए हैं। जानकारी नहीं है, अजय माकन जी यहाँ के प्रभारी सर वाले क्या क्या कहेंगे सर?